खरगोन में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर बैठक का आयोजन करते हुए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। संत और समाज के साथ हुई इस बैठक में जगन्नाथ रथ यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य के साथ प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में बताया गया, जगन्नाथ जी तीर्थ यात्रा में हर कोई शामिल नहीं हो सकता। जब देवी अहिल्याबाई होलकर को ये बात पता चली तो उन्होंने चार धाम मंदिरों की स्थापना महेश्वर में की। इन्हीं मंदिरों में से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती थी। कालांतर में ये यात्रा बंद हो गई थी। जब संत और गुरु माई महेश्वर नर्मदा परिक्रमा के दौरान पहुँचे थे उसके बाद से ये रथ यात्रा शुरू हुई। 7 सालों से ये रथ यात्रा निरंतर हर वर्ष आयोजित की जा रही है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है वो तो परंपरा अनुसार निकलती है। जगन्नाथ धाम हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का, इस युग का मुख्य धाम है। हर युग में परमात्मा किसी न किसी रूप में विराजित हुआ है। सतयुग में बद्रीनाथ धाम था मुख्य केंद्र, त्रेता में रामेश्वरम धाम था हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का मुख्य केंद्र, द्वापर में द्वारिका था, और कलयुग का जो हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का, सनातन संस्कृति का जो मुख्य केंद्र है वो जगन्नाथ धाम है। और वर्ष में एक बार भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए स्वयं रथ में विराजित होकर भ्रमण के लिए निकलते हैं। हमारा सौभाग्य है निमाड़ंचल का कि महेश्वर में जगन्नाथ धाम की स्थापना है। और चूँकि अगर जगन्नाथ धाम मंदिर है तो परम्परानुसार वहाँ से निकलने वाले, वहाँ से धार्मिक जो आयोजन होते हैं वो होते हैं, तो उसी लिए रथ यात्रा निकलती है। और रथ यात्रा में सभी लोग सम्मिलित हो सकें, पूरे निमाड़ंचल के लोग सभी धर्मानुरूप सम्मिलित हों, यही प्रयास हमारा है। जगह जगह बैठकों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हर जगह जगन्नाथ सेवा समितियों का गठन किया गया है। इसी तरीके से खरगोन में हमें जगन्नाथ सेवा समिति है, दीप भैया, ये सभी लोग जो भी यहाँ धार्मिक गतिविधियों में जुड़े हुए हैं, ये सभी लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो हम आप लोगों को और आपके माध्यम से पूरे निमाड़ंचल वासी को, पूरे क्षेत्रवासियों को ये निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि आइए आषाढ़ी बीच पे हमारे शिव के नाथ रथ में विराजित होकर नगर भ्रमण पे निकलेंगे। हम उस उत्सव का आनंद लें और अपने जीवन को बिताएं।